सो नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट फोर क्रिटिकल परस्पेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी जिसके अंदर आपको फेमिनिस्ट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कवर करना है एंड जो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है वो आपको कवर करना है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो आपके फेमिनिस्ट परसपेक्टिव के अंदर से ही पूछा जा सकता है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर फ्रॉम फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव से क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेक्स एंड जेंडर ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या सेक्स है क्या जेंडर है फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव में ये आपको बेसिकली कवर करना है द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब इन डिटेल द फेमिनिस्ट परसपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी जो फेमिनिस्ट जो फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी में वो आपको डिटेल्ड में जो है एक्सप्लेन करना है डिफाइन करना है द नेक्स्ट है एग्जामिन वेरियस स्टैंड्स ऑफ़ फेमिनिज्म जो वेरियस स्टैंड्स हैं फेमिनिज्म के वो आपको कवर करना है द नेक्स्ट है डू यू थिंक फेमिनिज्म इज वाइंडेड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स गिव रीज़न क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो वाइंड कर दी गई है फेमिनिज्म के द्वारा अगर हाँ तो क्या इसके रीजन हैं क्या तर्क हैं ये आपको एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब जो है लिखना है तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हमने शुरुआत में ही बात करी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की जहाँ पर फेमिनिस्ट का ये कहना है कि पावर एज डोमिनेशन ऑफ विमेन बाय मेन पावर क्या है वे एक डोमिनेशन है विमेन के ऊपर मेन के द्वारा तो ये जो है आपको यहाँ पर कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करना है जो इसके डिफरेंट स्टैंड हैं जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म सोशलिस्ट फेमिनिज्म रेडिकल फेमिनिज्म ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं अगर हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करें तो ये एक फेमिनिस्ट ट्रेडिशन है हुज इस कोर गोल इज इक्वल एक्सेस फॉर वीमेन एंड मैन टू द पब्लिक रेलम बेस्ड ऑन अ बिलीफ ऑफ ऑफ जेंडरलेस एंड पर्सनहुड अगर हम सोशलिस्ट फेमनिज्म की बात करें तो ये एक फेमुनिस्ट ट्रेडिशन है जो कि सीख टू रीस्ट्रक्चर इकोनॉमिक लाइफ टू अचीव जेंडर इक्वलिटी की बात करता है जो कि बेस्ड है इन लिंक्स बिटवीन पेट्रीआर की एंड कैपिटलिज़्म अगर हम बात करें रेडिकल फेमिनिज्म की तो ये बात करता है एक ऐसा फेमिनिस्ट ट्रेडिशन है जिसका एम है टू ओवरथ्रो पैट्रीआर की थ्रो आ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ बट स्पेशली द पर्सन ये जो है पेट्रीआर की जैसी एक आइडियोलॉजी को जो है ये उखाड़ फेंकने की बात करता है ठीक है सो so ये जो है लिबरल सोशलिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिज्म है जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने चाहिए कवर करने चाहिए एंड जो इसकी डिफरेंट थ्री वेव्स जो हैं फेमिनिज्म की वो भी आपको कवर करनी चाहिए जिसमें आप बात कर सकते हैं कि फ़र्स्ट वेव ऑफ़ फेमिनिज्म क्या है सेकेंड वेव ऑफ़ फेमिनिज्म क्या है एंड थर्ड वेव ऑफ़ फेमिनिज्म क्या है सो so, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों की सेकंड आप लोगों की फोर्थ यूनिट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी फेमिनिस्ट एंड पोस्ट में